नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या कुमार, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी एट अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद। और आज हम एक बहुत ही ऐसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो अदरवाइज इट्स कॉमन, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको नॉर्मल मानते हैं। तो दैट इज़ लाइक एक वुमेन के बोन हेल्थ के बारे में, और टू बी प्रिसाइज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कैसे होता है, और क्यों हमें उसके लिए ज़्यादा सोचना चाहिए इवन दो वी आर हेल्दी, और कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, इतना ही नहीं बोन का अंदर का आर्किटेक्चर जो उसका पैटर्न है वो भी खराब हो जाता है। और ये जस्ट बिकॉज यू आर बॉर्न एज विमेन, आप ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा प्रोन होते हो, क्योंकि एक विमेन की जो लाइफ होती है उसमें कई ट्रांजिशंस आते हैं, एडोलेसेंट, रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट मेनोपॉजल, पेरीमेनोपॉजल एज। तो जो रिप्रोडक्टिव एज में हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है, और इस दौरान अगर हमने कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लिया तो फिर वो हमारे बोन्स को वीक बना देता है, और बाद में ये ऑस्टियोपोरोसिस से प्रोन बना देता है। और जो दूसरा ट्रांजिशन आता है हमारा मेनोपॉज वाला, उस समय क्या होता है कि एक ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन होता है वो बोन बनाने में मदद करता है। तो जब हमारा ट्रांजिशन मेनोपॉज में होता है तो ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और तब आपके बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। तो ये जो दो पीरियड है स्पेशली, वैसे तो एडोलेसेंट वाला पीरियड जो होता है जब आप प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहे होते हो, दैट इज़ द टाइम जब आपकी बोन ग्रोथ का स्पर्ट आता है, और उस टाइम आपने अगर अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा अपना, या जो घर में अगर मदर्स है तो उन्होंने डॉटर्स का ध्यान नहीं रखा उस ग्रोथ स्पर्ट में, तब भी बोन्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो ऑप्टिमम ग्रोथ बोन की होती है वो उसी ग्रोथ स्पर्ट में होती है। तो एक तो न्यूट्रिशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। न्यूट्रिशन का रोल है इन द सेंस कि आपको अपना डाइट जो है वो कैल्शियम रिच होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वेजिटेरियंस ज़्यादा होते हैं, तो कुछ जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कई बार सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत होती है, बिकॉज जो हम प्लांट रिलेटेड फूड लेते हैं वो कई बार कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से भी इंटरफेयर करता है। तो ये नॉर्मल से सिर्फ फूड से ये पूरा नहीं पड़ता है, तो देर आर टाइम्स जब हमें कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना होता है, और ये टाइम जैसे मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेनोपॉज, डेफिनेटली ये वो समय है जब हमें ऊपर से कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ डाइट हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है। अब कमिंग टू व्हाट आर द सिम्टम्स, ऑस्टियोपोरोसिस जो बेटर होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम अलर्ट रहें, हम अवेयर रहें कि बिकॉज हम विमेन हैं और वी हैव टू अंडरगो ऑल दीज ट्रांजिशंस, तो हम अपने खान पान का हमें खुद ध्यान रखना होगा। आप अगर स्वस्थ रहोगे तो आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ रहेगी, और अपने खान पान का ध्यान आप खुद रखो, आपका डाइट कैल्शियम रिच होना चाहिए। दूसरा जो है वो आपकी एक्टिविटी भी ऑप्टिमल होना चाहिए, क्योंकि बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना चाहिए, इसका प्रिवेंटिव रोल होता है। अ हेल्दी डाइट, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच यू शुड टेक, और ये जो है आपके बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना ही नहीं, जो कैल्शियम के अलावा विटामिन डी का बहुत रोल होता है बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, और सनलाइट बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, तो सन से एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी होता है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ी सी हमारे जो इंडियन उस पर थोड़ी भ्रांतियाँ हैं कि सन में बैठेंगे तो टैनिंग हो जाएगी, तो आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ सनस्क्रीन अप्लाई करके You can always sit in sun and get some amount of sunlight to make your bones strong. तो food, exercise, sunlight, इन सब का रोल होता है। और जब हम उस transition के दौर पर गुजर रहे हैं तो हमें definitely उनके supplements लेने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी bones strong होंगी और osteoporosis के chances कम हो जाएंगे। बट ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो गया तो हम क्या करेंगे और हम कैसे पता करेंगे? बोन्स में पेन होना और आपके
एक मिनिमल थोड़े से भी ट्रॉमा से अगर फ्रैक्चर हो रहा है, आपकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो रहा है, चाहे हेयर लाइन या आप स्लिप हो गए और थोड़े से ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो गया, तो ये भी एक निशानी है ऑस्टियोपोरोटिक बोन के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट अगर आप मीनोपॉज में हो तो भी आपको अपने बोन हेल्थ की जांच ज़रूर करानी चाहिए, अगर आपको सिम्टम्स हो या ना हो। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, ये कंडीशन है जहाँ बोन नेचुरली आपके बोन्स वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनके ये जानने के लिए कि आपके बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक है या नहीं, कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं जिसमें हम डेक्सा स्कैन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, अदरवाइज सीरम कैल्शियम, वाइटामिन डी के मेजरमेंट, आजकल एक एंकल डेक्सा भी होता है जिसमें आप अपना फुट रखते हो और वो भी एक हमें रफ आइडिया दे देता है कि आपका आपके बोन कितने वीक हैं। तो इनको आप ज़रूर कराना चाहिए। दूसरा, अगर आपके फैमिली में भी फ्रैक्चर्स के रिस्क है, अर्ली मीनोपॉज हो गया है आपके, तो ये सारी चीज़ें भी है, ये सारे कंडीशंस भी होते हैं जब आपको डेफिनेटली अपने बोन हेल्थ के लिए अलर्ट होना होता है। अब अगर आपके बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और उनकी सलाह से, या आपने इन्वेस्टिगेशंस कराए और उस इन्वेस्टिगेशंस में आपके पैरामीटर्स लो आ रहे हैं, डिरेंज आ रहे हैं, देन ऑल्सो यू शुड सी ए डॉक्टर। तो हम टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं और एक टाइमली अगर ट्रीटमेंट होगा तो आप बड़ी बड़ी मुसीबतों जैसे थोड़ा स्लिप हो गया और बोन फ्रैक्चर हो जाता है, इन चीज़ों से आप बच सकते हो। तो इनके ट्रीटमेंट पे बेसिकली व्हाट वी प्रिस्क्राइब इज सप्लीमेंट एंड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, मेन है कि फर्स्ट लेवल पे हमें प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी बनाएं। देन सेकेंड, टाइमली डिटेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर इन द हाई रिस्क लॉट। हाई रिस्क मीन्स जस्ट एज आई टोल्ड यू, लाइक बींग वेमेन, बींग इन द मेनोपॉजल ग्रुप, दैट ओनली पुट्स यू इन द हाई रिस्क ग्रुप। देन आपको जरूर स्क्रीन कराना चाहिए अपने बोन्स को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो कराना चाहिए, और अगर पैरामीटर्स डिरेंज हो तो डेफिनेटली सी ए डॉक्टर, बिकॉज टाइमली इंटरवेंशन इज लाइक सप्लीमेंटेशन ऑफ वॉट एवर जो भी आपकी बॉडी में कमी है, तो उससे हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। थैंक यू।